टांडा वरुण में प्रभु श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी के शुभ अवसर पर विशाल प्रभात फेरी और शोभा यात्रा निकालकर मंदिरों में वस्त्र दान किए हैं। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। टांडा वरुण में रामनवमी के पावन उत्सव पर श्री राम मंदिर नयापुरा से सकल हिंदू समाज के साथ विश्वास मित्र मंडल और मानस मित्र मंडल द्वारा ग्राम के मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी निकाली। तत्पश्चात सुबह 9 बजे शोभा यात्रा निकालने के साथ कुशवाहा मोहल्ला स्थित श्री लवकुश मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर सहित अन्य मंदिरों में ढोल ताशों के साथ वस्त्र भेंट किए गए। सकल हिंदू समाज को इस उत्सव में शामिल होने के लिए आह्वान किया गया। यात्रा बैंड बाजे के साथ ग्राम के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री राम मंदिर नयापुरा पहुंची, जहां प्रभु श्री राम जी को वस्त्र भेंट किए गए, जिसमें पंडित रामलाल भट्ट और रामलाल भट्ट के द्वारा सुबह से दोपहर 12 बजे तक पूजा अर्चना के बाद उत्साह के साथ राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। जिस प्रकार अयोध्या में ठीक 12 बजे सूर्य तिलक के समय यहां श्री राम मंदिर नयापुरा में श्री राम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाकर प्रसाद वितरण किया गया। मानस मंडल द्वारा 9 दिन तक पारायण पाठ कर दोपहर में हवन पूजन किया गया। शाम 6 बजे पूर्णाहुति के बाद महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। प्रतिवर्षानुसार श्री राम मंदिर नयापुरे से सुबह प्रभात फेरी सकल हिंदू समाज के द्वारा निकाली गई। उसके पश्चात श्री राम मंदिर नयापुरा से श्री मानस मित्र मंडल एवं विश्वास मित्र मंडल के भाइयों के द्वारा शोभा यात्रा एवं प्राचीन मंदिरों में विश्वास मित्र मंडल की तरफ से कपड़े वस्त्र दान का कार्यक्रम रहा। फिर सूर्यवंशी कुमराव तमुली समाज का यह मंदिर होने के कारण यहाँ पर हवन भी होता है, 9 दिन तक पारायण पाठ होता है। उसी के निमित्त हवन भी दोपहर 1 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें यजमान हर्षित गजानंद जी कुमरावत रहेंगे और शाम को पूर्णाहुति और महाप्रसादी का कार्यक्रम रहेगा। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, टांडा वरुण। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।